हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जेंगो। तो आज हम थोड़ा सा जेंगो के बारे में जानते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जेंगो क्या होता है। जेंगो इज अ ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन। जेंगो हमारा एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। The primary goal of Django is to make the development of complex data-based website easier. तो हमें Django का काम क्या है, इसका primary goal ये होता है कि आप इसकी help से आसानी से complex websites को भी develop कर सकते हैं और database website को भी develop कर सकते हैं आसानी से। Thus, Django emphasizes the reusability and pluggability of components to ensure rapid development. तो इसका क्या काम होता है कि आपकी रीयूजिबिलिटी एंड प्लगेबिलिटी को इंक्रीज करता है, एंड जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हो। यानी कि जेंगो की हेल्प से आप बहुत फास्टली डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड एक अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जेंगो वॉज डिज़ाइन एंड डेवलप बाय लॉरेंस जर्नल वर्ल्ड इन 2003 एंड पब्लिकली रिलीज अंडर BSD लाइसेंस इन जुलाई 2005। Currently, BSF यानी कि Django Software Foundation maintain its development and release cycle. तो Django किसने डिज़ाइन और डेवलप किया था, लॉरेंस जनरल वर्ड ने 2003 में, एंड इसका जो पब्लिकली रिलीज हुआ था वो हुआ था जुलाई 2005 में। Django was released on 21 जुलाई 2005. Its current stable version is 2.0.3, which was released on 6 मार्च 2018. तो जेंगो रिलीज हुआ था जुलाई 2005 में, और जो इसका करंट और स्टेबल वर्जन जो आया था वो था उसका 2.0.3, एंड वो कब आया था, 6 मार्च 2018 में। तो ये जेंगो की हिस्ट्री थी। इसके बारे में जो भी किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है, वो सब हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं कि जेंगो MVT क्या होता है। The MVT is the software design pattern. It is a collection of three important components: model, view and template. तो MVT आपका कुछ नहीं है, एक आर्किटेक्चर होता है, एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसके ऊपर आपका जेंगो फ्रेमवर्क जो है वर्क करता है। इसके अंदर मेनली हमारे तीन कॉम्पोनेंट्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मॉडल, व्यू एंड टैम्पलेट। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। In Django, model is a class which is used to contain essential fields and method. Each model class map to a single table in the database. तो model क्या है, model आपकी एक class है। हम लोग class create करते हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो कि हमारी fields और methods को contain करती है। हर एक मॉडल के अंदर जो हम भी क्लास बनाते हैं वो एक सिंगल टेबल को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर आपने एक मॉडल बनाया है तो आपकी एक टेबल उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। यूजुअली वन मॉडल इज वन टेबल इन द डेटाबेस। ईच एट्रीब्यूट इन द मॉडल रिप्रेजेंट एज फील्ड ऑफ द टेबल इन द डेटाबेस। तो जो आपका एक आपने मॉडल क्रिएट किया है, इसका मतलब है कि आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो अपने डेटाबेस में, और उसके अंदर आप जितनी भी फील्ड्स लेते हो वो क्या करती है, एट्रीब्यूट्स जितने भी आप लेते हो वो आपकी एक एक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं आपकी टेबल में। जेंगो प्रोवाइड अ सेट ऑफ ऑटोमेटिकली जनरेट डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ यूजर। तो जेंगो क्या प्रोवाइड करता है, हमें ऑटोमेटिक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाता है इसके अंदर, एंड जो कि हमारे यूजर के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है यूज़ करना। नेक्स्ट आता है, बेसिकली योर मॉडल डिफाइन व्हाट योर डेटा स्टोर वुड बी लाइक एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज वुड स्टोर। इट आल्सो गिव्स यू इंटरफेस ऑन क्वेरी दी दोस डेटा। तो बेसिकली आपके मॉडल का काम क्या होता है, वो ये डिफाइन करता है कि आपके डेटा बेस में किस तरह का डेटा स्टोर है और क्या डेटा स्टोर है, और आप उसके अंदर कौन कौन सी क्वेरीज उस पर चला सकते हो, किस तरह से अपने डेटा को और स्टोर कर सकते हो। तो जो भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं उसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट होती है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपना डेटा स्टोर कराते हो। तो ये हमारा मॉडल्स का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं व्यूज पे, कि व्यूज क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। व्यू इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्यू फाइल। जो व्यू है आपके व्यू फाइल की शॉर्ट फॉर्म है।
It is a file containing Python function which takes web request and return web response. तो views का क्या काम होता है, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, functions बनाते हैं जो क्या करता है आपके web से request लेता है और web को ही request जो भी response है वो देता है. यानी कि आप कुछ भी अपने वेबसाइट पे सर्च कर रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो तो एक जो आपकी रिक्वेस्ट है क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे जाती है, देन वहाँ से आपके पास एक रिस्पॉन्ड वापस आता है. तो ये सब जो फर्क होता है ये किसकी हेल्प से होता है, व्यू की हेल्प से होता है. जो भी आप व्यू फाइल के अंदर लिखते हो, फंक्शन बनाते हो, उसकी हेल्प से होता है. नेक्स्ट आता है ए रिस्पॉन्स कैन बी HTML कंटेंट और XML डॉक्यूमेंट और 404 एरर एंड सो ऑन. तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, HTML कंटेंट हो सकता है, XML डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या 404 एरर भी हो सकता है. तो इस तरह से आपका रिस्पॉन्स आता है. द व्यू इज यूज टू एग्जीक्यूट द बिजनेस लॉजिक एंड इंटरैक्ट विद द मॉडल टू कैरी डेटा एंड रेंडर अ टेम्पलेट. तो व्यू किस लिए यूज होता है, एग्जीक्यूट क्या करता है, बिजनेस लॉजिक को और हमारे मॉडल के साथ भी ये इंटरैक्ट करता है कि किस तरह से हमारा डेटा जो है वो रेंडर होगा इन द फॉर्म ऑफ टैंपलेट्स. तो वो जो सारा काम होता है वो हमारा व्यू का होता है. व्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग वॉट डेटा शुड बी डिस्प्ले टू द यूजर. तो बेसिकली क्या काम होता है व्यू का, कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या डेटा आपके यूजर को डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर. तो जब तक अगर आप व्यू नहीं बनाओगे किसी भी अपने HTML पेज का, तब तक वो वहाँ पे शो नहीं होगा. आपको वो डेटा रेंडर कराना पड़ेगा, उसके बाद वो आपके ब्राउजर पे शो होता है. तो ये काम होता है आपका व्यू का कि क्या डेटा डिस्प्ले होना चाहिए यूजर को. इन जेंगो यू कैन यूज बोथ फंक्शन बेस्ड व्यू एज वेल एज क्लास बेस्ड व्यू. तो आप दो तरह से बना सकते हो, जरूरी नहीं है फंक्शन ही बनाना है, आप क्लास बेस्ड व्यू भी बना सकते हो. तो दोनों तरीके से आप व्यू को जनरेट कर सकते हो. नेक्स्ट आपका आता है टेम्पलेट्स. अच्छा, जानते हैं टेम्पलेट्स क्या होते हैं. टेम्पलेट इज द स्टैंडर्ड HTML फाइल मिक्स विद जेंगो टेम्पलेट्स लाइब्रेरी और जिंजा टू विच एवर यू फील सुटेबल विच हेल्प्स रेंडर द डेटा प्रोवाइड बाय द व्यू इन टू द HTML फाइल. टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स आपकी HTML फाइल्स होती हैं. जो भी आपकी HTML फाइल्स होती है ना, वो आपकी टेम्पलेट कहलाती हैं. लाइक हमें जब आप क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट, तो हम उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पलेट के नेम से, एंड उसके अंदर जो भी हमारा HTML की फाइल्स का डेटा होता है, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं HTML की, हम टैंपलेट्स के अंदर स्टोर करते हैं, उसके अंदर क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं. टैंपलेट इज द प्रेजेंटेशन लेयर विच हैंडल यूजर इंटरफेस पार्ट कम्प्लीटली. तो टैंपलेट आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी HTML फाइल है. तो जो भी यूजर को इंटरफेस पे, यूजर इंटरफेस पे जो भी फ्रंट एंड पे शो हो रहा है, वो सब किसकी वजह से होता है, टैंपलेट्स की वजह से. और टैंपलेट कंसिस्ट ऑफ स्टैटिक पार्ट्स ऑफ द डिजायर्ड HTML आउटपुट एज वेल एज सम सिंपल स्पेशल सिंटेक्स डिस्क्राइबिंग हाउ डायनेमिक कंटेंट विल बी इंसर्टेड. तो ये क्या काम होता है, ये आपका टैंपलेट का काम होता है. ये क्या करता है, आपका स्टैटिक पार्ट को भी कंटेन करता है और कुछ स्पेशल सिंटेक्स को भी कंटेन करता है कि कैसे आपका जो भी डायनेमिक कंटेंट है वो आप इंसर्ट कर रहे हो अपने HTML के पेज पे. तो ये सब काम जो होता है हमारा टैंपलेट के हेल्प से होता है. तो मॉडल क्या कर रहा था, मॉडल डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर रहा था. व्यू क्या कर रहा था, व्यू की हेल्प से आपका जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा था ऑन द स्क्रीन, जो भी ब्राउजर पे आपको शो होता है. एंड टैंपलेट का क्या काम था, टैंपलेट क्या कर रहा था, जो भी आपका HTML की फाइल्स होती हैं वो सब हमारी कहाँ स्टोर होती हैं, टैंपलेट्स में. ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करता है. तो ये आपका टैंपलेट था. अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर आता है SQLite. दिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम वेयर डेटा इज ऑर्गेनाइज इन टू डिफरेंट टेबल्स सीन्स. दिस एप्लीकेशन इज बिल्ड ऑन जेंगो प्लेटफॉर्म थस इट ऑल्सो इनहेरिट जेंगोज लेगेसी डेटाबेस. तो SQLite क्या है, ये हमारे एक डेटाबेस है. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे हमारे डेटाबेस होते हैं, जैसे MySQL हो गया, MongoDB हो गया, ये तो बिग डेटा होता है. खैर, इस तरह से हमारे बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कराते हैं. तो SQLite भी हमारा एक डेटाबेस है जो जेंगो हमें प्रोवाइड कराता है. ये एक बिल्डिंग डेटाबेस है. जब भी आप जेंगो पे प्रोजेक्ट बनाओगे तो SQLite आपको मिलता है, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है. जो भी आप मॉडल्स बना रहे हो, जिसकी हेल्प से भी आप डेटा स्टोर करते हो, तो वो आपका SQLite में ही स्टोर होता है. जो भी आप, ये किस तरह का है, ये रिलेशनल डेटाबेस है और टेबल के फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर करता है.
Initially, in the Django legacy database, there are 9 tables which include user, user groups, permissions, user and group permissions, Django site, session and Django content type, and Django admin log tables is added when you enable the administrator add. तो ये सारी जो हमारी कुछ tables होती हैं, जब आप queries चलाते हो इसके अंदर, तो ये automatic आपकी tables generate हो जाती हैं आपके SQLite database में. तो ये सब आप किसकी हेल्प से करते हो? Django framework की हेल्प से. तो Django की हेल्प से आपको automatic आपको एक database भी मिल जाता है और उसके अंदर कुछ files भी आपको मिलती हैं. तो ये जो 9 tables हैं, ये आपको automatic मिलेगी जब आप इसमें SQLite की make migration या migrate की command चलाते हो उसके बाद. You have an option to change the database to your preference choice like MySQL, PostgreSQL, MongoDB, etc. ऐसा नहीं है कि आपको SQLite ही यूज़ करना होता है. आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो. MySQL यूज़ कर लो, PostgreSQL यूज़ कर लो, MongoDB यूज़ कर लो. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या आपको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है. तो उस अकॉर्डिंग आप अपना डेटाबेस चेंज भी कर सकते हो. तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक कि Django क्या होता है. उसका आर्किटेक्चर हमने देखा, MVT, मॉडल, व्यू, टैम्पलेट. मॉडल कुछ नहीं है, आपका डेटा स्टोर कराता है. टैम्पलेट्स की हेल्प से आप व्यू क्या करते हैं, आपका डेटा किस तरह से व्यू होना चाहिए आपके स्क्रीन पे, यूज़र को क्या दिखना चाहिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड टैम्पलेट्स आपके HTML की फाइल स्टोर करते हैं. एंड एक इसके अंदर हमें डिफ़ॉल्ट डेटाबेस मिलता है SQLite. तो ये था हमारा Django का ओवरव्यू. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.